तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर तुम देखोगे बेसिकली, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग Z4 है जंप फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू सेकेंड। मतलब ये अपनी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस H=1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 और ये 4। हालांकि 4 मतलब ये ऑर्बिट पास पास होता चला जाता है जब हम दूर जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो कहाँ से कहाँ तक जंपिंग किया है? 4 से जो है इलेक्ट्रॉन जंप मारा है किस में? 1 में। तो जो फोटोन बाहर आया होगा, ये जो फोटोन, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो पूछ रहे हैं यार, हाउ मच एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस फोटोन की एनर्जी चाहिए तो या तो एनर्जी इस फोटोन की एच न्यू से निकालो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, या तो सी फोटोन का वेवलेंथ पता होना चाहिए। ये एनर्जी तुम डेल्टा ई बड़े आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं पता है यार। तो जब कुछ भी नहीं पता है तो ये एनर्जी डेल्टा ई एक और तरीके से निकाली जाती है, एच न्यू, और एच न्यू सी अपॉन लैम्डा। तुम पढ़े होगे इसकी वैल्यू 13.6, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1² -1/N2², जहाँ से जंप किया है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, यू मस्ट रिमेम्बर इट। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये, अभी मैं ये वाला पार्ट यूज कर लेता हूँ, तो 13.6 और जेड की वैल्यू है 4, तो 4² 16, और ये N1 कहाँ पे जंपिंग किया है? 2 पे जंपिंग किया है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक बार लिख देता हूँ, और कहाँ से जंपिंग किया है? 4² का स्क्वायर। तो जब इसको पूरा अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो 13.6 और मल्टीप्लाइड बाई 16 और डिवाइडेड बाई 16 - 4, तो 16 - 4 कितना आ जाएगा? तो 12, और यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये 16 16 कट गया और ये 3 टाइम्स मल्ट कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है एनर्जी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो ये आ जाएगा अपना 4th ऑप्शन सही है और ये सारे गलत हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।